हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो जो मैं अपलोड करता हूँ लेटेस्ट वीडियो, वो आपका उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टैट प्रो की क्लास में हम बात करेंगे मूविंग लोड की। अब ये मूविंग लोड होता कहाँ है? देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस मूविंग लोड की, हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं जो ब्रिज पे व्हीकल्स का लोड होता है। हम सिंपल एक मूविंग लोड की, कोई गर्डर है उसके ऊपर कोई मशीन मूव कर रही है, कोई भी ऐसे टाइप का आपका प्रोजेक्ट है जिसमें कोई लोड मूव कर रहा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई ब्रिज डिज़ाइन करना है व्हीकल्स के लिए, तो उसमें हम IRC कोड यूज़ करते हैं, जिसके लिए स्टैट प्रो में अलग से टूल दिया हुआ है बीवा। बीवा मीन्स ब्रिज इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक व्हीकल एप्लीकेशन, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए मूविंग लोड स्टार्ट करते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बीम बना लेता हूँ। 10 मीटर का बीम बना लिया मैंने। आपको बताता हूँ मैं करना क्या है। मुझे एक बीम है, उसके ऊपर मुझे एक लोड को मूव कराना है। ये लोड है, ठीक है। अभी तक हम क्या एनालाइज कर रहे थे? स्टैटिक लोड की, रॉक एक जगह लगा हुआ है। अब क्या हमें कोई भी लोड है वो ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तब क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम होता है, तो हमें मूविंग लोड एनालिसिस करना है। तो मैंने एक बीम बनाया, तो इस बीम में मैं सपोर्ट लगा देता हूँ। फिक्स बीम बना लेते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी एनालाइज नहीं होता है, तो डिफाइन करके एक रेक्टेंगुलर RCC दे देते हैं। ये बीम बन चुका है। लोड एंड डेफिनेशन में जाके इसको एक लोड दे देते हैं, डेड लोड DL, और डेड लोड के अंदर हम दे देते हैं सेल्फ वेट। सेल्फ वेट को असाइन कर दिया हमने। उसके बाद एनालिसिस इन प्रिंट ऑल। ये ऑल क्यों करते हैं मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ऑल किया, उसके बाद एनालाइज किया। तो आप देख सकते हैं 0 एरर है, ये एनालाइज हो चुका है। अब एनालाइज होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मूविंग लोड। एनालाइज इसलिए किया है कि ये पता चल जाएगी अभी तक हमारा सब कुछ सही है, अभी तक कोई एरर नहीं है, ठीक है। लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो सिंपल लोड है, डेड लोड, लाइव लोड, इनके अलावा कोई हमें अगला लोड लगाना होता है तो सबसे पहले डेफिनेशन देनी होती है। तो डेफिनेशन पर क्लिक किया मैंने, और मैं गया व्हीकल डेफिनेशन, इस पर क्लिक करके ऐड किया। और देखिए यहाँ पे अमेरिकन कुछ कोड दिए, हमें यहाँ नहीं जाना, केवल डिफाइंड लोड पर जाना है। तो फर्स्ट लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है लोड की विड्थ क्या है। अब देखिए विड्थ क्या है, ये देखिए, ये बात कर रहा है अगर 2 पॉइंट लोड या 2 से ज़्यादा पॉइंट लोड मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, ये विड्थ की बात कर रहा है, ठीक है। बट अभी तो हम केवल एक सिंगल लोड मूव करा रहे हैं ना बीम के ऊपर, तो विड्थ तो कुछ होगी नहीं, तो विड 0 रहने देते हैं। और यहाँ फर्स्ट लोड डाल देते हैं, 10 किलोन्यूटन मूव कर रहा है, ठीक है, ऐड कर देते हैं। ये आगे ऑल सेल्स क्यों दिए हैं और यहाँ पे 0 की बजाय कुछ डालेंगे तो क्या होगा? मैं पहले 1 पॉइंट लोड मूव करा लेते हैं। अभी हम केवल 1 पॉइंट लोड मूव करा रहे हैं, अगर 2 कराने होंगे तो कैसे मूव होंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो ऐड किया मैंने, क्लोज, ये ऐड हो चुका है। इसके बाद मैंने लोड किस डिटेल पर क्लिक करके ऐड किया, और यहाँ पे लिखना है मुझे लोड जनरेशन, ठीक है। अब देखिए लोड जनरेशन पूछ रहा है कितने लोड जनरेट करने। देखिए इसका क्या मतलब है, ये आपका बीम है 10 मीटर का और ये आप पॉइंट लोड इस पर मूव कराना चाह रहे हो, तो ये पूछ रहा है कि कितने स्टेप ये पॉइंट लोड चले, ठीक है। जैसे कि मूव करेगा तो पहले यहाँ से यहाँ जंप करेगा,
है ना, फिर यहाँ से यहाँ जंप करके मूव, ऐसे तो मूव हो गए। तो ये पूछ रहा है कितने लोड जनरेट हों, कितने स्टेप्स हों। तो हम जितने ज़्यादा स्टेप रखेंगे उतने स्टेप का स्पेस कम होगा, राइट। मान लीजिए आपका बीम है 10 मीटर का, ठीक है, और हम यहाँ स्टेप लिखते हैं 10, तो एक स्टेप कितने का हो गया आपका, 1 मीटर का, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ 100 स्टेप, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि प्री डिफाइंड लोड, इससे पहले कोई लोड डिफाइन किया हमने, हाँ किया है, सेल्फ एड हमने किया है, रमन ऐड कर दिया क्लोज। यहाँ पे देखिए एक आइकन आ गया है जनरेट लोड, इस पर क्लिक करना है फिर ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको समझिए पहले, ये तो पता ही आपको, लोड फर्स्ट, इसको समझिए। ये कह रहा है कि वो पॉइंट लोड रखना कहाँ है, कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको, यहाँ रखना है या यहाँ रख, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये तो ओरिजिन है 0 0 0, है ना, ये ओरिजिन है आपका, तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया, 0 0 0 रख दिया। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आइए, इस बॉक्स में कह रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स, ठीक है, एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, और कितने स्टेप हो रहा है, 100 स्टेप। और तो कितने, एक स्टेप की स्पेसिंग कितनी होगी, देखो 100 स्टेप्स हैं हमारे, ठीक है, और 10 मीटर का बीम है, तो एक पूरा बीम कवर करने के लिए एक स्टेप का स्पेस कितना होना चाहिए, 10 बाय 100, है ना, यानी कि 0.1, 100 mm। तो अगर मैं यहाँ डालता हूँ 0.1, यानी कि एक स्टेप की डिस्टेंस है 0.1, तो 100 स्टेप की कितनी होगी, 10 मीटर, यानी कि 100 स्टेप में पूरा बीम कवर कर लेगा, ठीक है, ऐड कर दिया क्लोज। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ एक एरो आ रहा है, फिर एनालाइज कर देंगे, जितने ज्यादा स्टेप उतने टाइम एनालिसिस मिलेगा, डन। देखिए यहाँ पे आ गए हैं आपके स्टेप्स, लोड शो नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, दोबारा से लोड एंड डेफिनेशन क्लोज करके दोबारा से लोड एंड डेफिनेशन में जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए अब दिखा रहा है, ये रहा। अब यहाँ मैं माउस रखने के बाद कर्सर अगर स्क्रॉल घुमाता हूँ तो लोड मूव होता है, देखिए भाई कितने स्टेप मूव होगा, 100 स्टेप, है ना। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एक्टिवेट कर दूँ तो देखिए बेंडिंग मोमेंट भी चेंज होगा हमारा, स्क्रॉल को मैं रिवर्स घुमाता हूँ तो ये रिवर्स जाएगा। इसी तरह शेयर डिफ्लेक्शन देख लेते हैं, जैसे स्क्रॉल घुमाता हूँ डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे लोड की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना। तो इस तरह से ये है आपका मूविंग लोड का कंसेप्ट, ठीक है। अब एक चीज और करते हैं, डेफिनेशन में गए थे हम, हमने व्हीकल किया था तो उसमें विड्थ कुछ पूछ रहा था, तो उसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पे विड्थ डाल देता हूँ मैं 1 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे एक और लोड डाल देता हूँ 5, या ऐसे करता हूँ एक और लोड डाल देता हूँ। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, 1 का मतलब तो समझ गया आप, है ना, 1 का मतलब है कि ये पॉइंट लोड और ये पॉइंट लोड, दो पॉइंट लोड मूव हो रहे हैं जिनकी विड्थ है आपका 1 मीटर जो मैंने डाली है, ठीक है। अगर अब मैंने यहाँ पे ये है 10, ये है 10, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेकंड लोड में 5 डाल दिया है, तो 5 होगा इसके पीछे ये, और एक होगा 5 यहाँ पे। एक अच्छी सी पिक्चर बना देता हूँ मैं इसकी इमेज, देखिए एक पॉइंट लोड है ये, इसकी यूनिट कितना लोड है 10, एक पॉइंट लोड है ये 10 पैरेलल, और इन दोनों के बीच में क्या है W, ये विड्थ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और सेल में 5 डाल दिया, तो 5 है हमारा इसके पीछे, 10 के पीछे लग रहा है 5, ठीक है, और इस वाले 10 के पीछे भी लग रहा है 5, और इसके दोनों के बीच की विड्थ वही W। अब ये डिस्टेंस कौन डिसाइड करेगा, ये देखिए 5 के आगे पूछ रहा है ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस में डाल दूंगा, फिर मैं टैप दबाऊंगा तो एक और सेल आ जाएगी, तो इसके 5 के पीछे भी और लोड, यानी पूरे एक ट्रेन लोड बना सकते हैं हम, ठीक है। देखिए मैंने ये डाल दिया 2 मीटर, फिर मैंने टैप दबाया तो एक और सेल आ गया, मैंने डाला यहाँ पे 2 किलो न्यूटन, और इसका डिस्टेंस है 1 मीटर,
पूरी एक ट्रेन बन गई है। ठीक है, आप देखिए इसको लगाते हैं, ये एरर इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके ऊपर ये मूव हो सके। एंड एक बीम के ऊपर कैसे मूव जाएगा, एक और बीम होना चाहिए उस डायरेक्शन में। तो देखो 1 मीटर पर मूव करा देते हैं क्योंकि 1 मीटर की विड्थ थी, समझ रहे हैं ना आप। देखिए एक बार वो समझा दूँ, ऐसे दो बीम होंगे, जब भी तो दो बीम पे ऐसे दो लॉर्ड मूव करेंगे, बीच के में 1 मीटर का गैप है, तो मैं एक बीम और बना रहा हूँ। देखिए आ गया, ठीक है, अभी कार बन गई। देखिए इसको देखिए, अब जब मैं लोड पे क्लिक किया, देखिए सिर्फ वी प्रेस किया है, लोड की वैल्यू होगी, ये 10 किलोन्यूटन, ये 10 किलोन्यूटन, यहाँ पर भी एक लगेगा लोड, ठीक है, और इनके बीच का गैप 1 मीटर जो डब्ल्यू था। उसके बाद 5 किलोन्यूटन यहाँ पे लोड लग रहा है, और एक 5 किलोमीटर यहाँ, और फिर यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, पूरी एक कार बन गई है। ठीक है, अब ये इधर कॉर्नर पा रही है, इसको मूव करा सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक किया, देखिए मैंने ओरिजिन किया तो ओरिजिन पा रहा है ये वाला। मैं चाहता हूँ इधर किसके, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, जेड है ना, तो मैंने जेड में वैल्यू डाली 1 मीटर, देखिए खिसक गया है ना 1 मीटर। क्लोज, अब एनालिसिस करते हैं फिर चेक करते हैं, एरर आएगा इसलिए क्योंकि इनको प्रॉपर्टी नहीं मिली है जो नए बीम बने हैं ना, तो इनको प्रॉपर्टी दे देते हैं एक बार, इस यही सेम प्रॉपर्टी दे देते हैं। अब एनालाइज करते हैं, डन। अब लोड केस में जाके देखते हैं व्हीकल लोड, ये देखिए आ गए ना पूरे लोड, कितने लोड बताए थे मैंने, 10 के लगाए थे। ये एक बार और समझिए, जो विड्थ पूछ रहा था उसमें वो विड्थ है ये, ठीक है, और जो अगले सेल में डिस्टेंस पूछ रहा था वो है ये, और ये आप कितने भी लोड बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको घुमाता हूँ तो ये मूव होते हैं, ठीक है, वो आइकन रेड वाला वो दिखाएगा ऐसे ही, तो लोड हमारे मूव हो रहे हैं। अब डिफ्लेक्शन देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, तो यही है आपका मूविंग लोड। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे व्यू कम होते जा रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, क्या पता किसी काम आ जाए, कोई ग्रुप हो सिविल इंजीनियरिंग का वहाँ आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।